नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों, मैं आज आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे जिससे कि कोई भी आपकी गलतियां ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको सर्च कर लेना है यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे हम सर्च करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा खुल के, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए होगा। और ये पहला लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप पहले लिंक पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, जो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इसको क्या करना है, ब्राउजर को कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके चार ऑप्शन आएंगे, समर्थ एम्प्लॉय लॉगिन, समर्थ स्टूडेंट लॉगिन, समर्थ स्टूडेंट लॉगिन गाइड और समर्थ कॉलेज लॉगिन। तो आपको क्या करना है, समर्थ स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूली रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप न्यू यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना, इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है प्रोग्राम की, कौन से प्रोग्राम में आपको यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए मैं बीकॉम में कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बीकॉम सेलेक्ट कर लेता हूँ, बीकॉम का एनईपी, ठीक है दोस्तों। बीकॉम ओल्ड एनईपी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे को अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, देन आपको आपको इनरोलमेंट नंबर या फिर एग्जामिनेशन नंबर, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट होंगे उनके पास दोनों में से कोई नहीं होगा, तो उनको तो ये भरना ही नहीं है फॉर्म। बाकी जो सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनको ये फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, देन इनरोलमेंट नंबर कैप्चा और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही अगला जो स्टेप खुलेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वहां सबमिट पे आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पे डालना है इंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपने एडमिशन के समय दिया होगा अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, कि ईमेल एड्रेस जो है आपका उसको क्या करना है, जो ईमेल एड्रेस सही है उसी को देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, देन आपको नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके स्क्रीन पे ओटीपी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे मेरे होम स्क्रीन पे, यहाँ पे जो ओटीपी आपके ईमेल या फिर आपके मोबाइल पे आएगा उसको यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करते ही आपको आ जाएगा यहाँ नेक्स्ट विंडो पासवर्ड के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, ठीक है। दोनों में आप पासवर्ड बना लीजिए, कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा ताकि तुरंत एक बार में ही सबमिट हो जाए, ठीक है। और पासवर्ड बनाते ही आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करते आपका जो जनरेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आईडी जो आपका वो जनरेट हो जाएगा। कौन सा आईडी, समर्थ पोर्टल का आईडी जनरेट हो जाएगा। तो मैंने एक एक करके आपको सब चीज बता दिया, आगे मैं दिखाता हूँ कि सबमिट करने के बाद क्या खुलेगा दोस्तों, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कौन सा पेज आपका यहाँ पे ओपन होगा। दोस्तों कुछ एरर के कारण अभी साइट चल नहीं रही है, तो ये ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। इतना ही प्रोसेस है आपका जो समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है दोस्तों। तो होप करता हूँ कि पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से हमसे यूट्यूब पे ही पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।